भोजपुरी में भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले, अगर देखा जाए तो भोजपुरी में भी अगर कोई अच्छा काम मिलता है, भोजपुरी तो पूरे अश्लीलता से भरा हुआ है, अभी जानते हैं, अभी बहुत आरोप लग रहे हैं। अश्लीलता तो बस हम वही देख रहे हैं जो अश्लील चीज़ें हैं। अगर हम अच्छा कंटेंट देखेंगे तो अच्छा कंटेंट बनाया जाएगा, लोगों को भी तो वही पसंद आ रहा है ना। और मैं ऐसा कंपेयर करती हूँ कि अश्लीलता कहाँ नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है अश्लीलता, हॉलीवुड में नहीं है अश्लीलता, बस भोजपुरी को ड्रैग किया जाता है हर वक्त, क्योंकि हम बिहार से हैं तो बिहार को ड्रैग करना बहुत आसान होता है किसी भी मैटर में। तो मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बिहार, इसका नाम सुनकर के अक्सर आपको ऐसे निचले तबके के लोग नज़र आते हैं जो कि मुंबई में आकर के मेहनत मजदूरी करते हैं, और उसी बिहार में काफ़ी नाम ऐसे भी रोशन हो करने वाले लोग हैं जो पूरे देश में अपने नाम के ज़रिए और बिहार को एक अलग सा जो है छाप देते, और उसी में हमारे साथ 17 वर्ष की जाह्नवी मौजूद है। जाह्नवी सिंह, अभी हाल ही में इन्हें डॉक्टरेट का साउथ कोरिया से दर्जा मिला है, इस बारे में जानकारी लेंगे कि जाह्नवी जी किस तरीके से उन्हें ये डॉक्टरेट की तमाम जो दर्जा दिया गया है वो कैसे उन्हें मिला, और आखिर इन्होंने इतनी कठिनाइयों पर पहुंचने के बाद अब ये किस मुकाम पर अपने आप को देखती है। जाह्नवी जी, सबसे पहले तो मुंबई में आपका वेलकम है और कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जाह्नवी, मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। ये जो 17 वर्ष में आपको डॉक्टरेट का साउथ अफ्रीका कोरिया से मिला है, ये आखिर कैसे मुमकिन हो पाया, और कैसे साउथ कोरिया में आपका नाम का डॉक्टरेट उन्होंने ऐसा रखा कि हाँ इसी को देना चाहिए? दरअसल एक तो डॉक्टर होते हैं जो लोग MBBS कंप्लीट करके बनते हैं, और एक वो होते हैं जिन्होंने PhD अपनी कंप्लीट की होती है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। लेकिन क्योंकि मेरी ना तो उतनी एज है कि मैंने अभी PhD कंप्लीट की है, तो मेरे नॉलेज को देखते हुए जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो मेरा नॉलेज है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और जो भी मैं जेंडर जस्टिस के लिए काम करती आ रही हूँ, उसको देखते हुए मुझे ये डॉक्टरेट का जो सम्मान है ये साउथ कोरिया की बुसान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज़ के द्वारा दिया गया है। ये आप 17 वर्ष में ये मिलना, और एक बिहार के रहने, जहाँ पे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग यही देखते हैं कि लेबर किस्म के लोग हैं और कमाने आते हैं, तो ऐसे में बिहार के लिए कितना प्राउड फील होता है कि मैंने एक नाम रोशन किया है? मैं तो यही कहूँगी कि बिहार के लोगों को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स हैं आज भी हमारे देश में, कि बिहारी जो होते हैं वो तो छोटे काम ही करते हैं, जो बिहारी होते हैं वो तो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बिहार ने हमारे देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है जिस बात से शायद बहुत लोग अवेयर नहीं हैं। और हमारा बिहार भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों को मिलती जा रही हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो खासकर मेरे बिहार के लिए ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि उनकी एक बेटी को ये डॉक्टरेट का सम्मान इतनी कम उम्र में मिला। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर के आप शायद है, तो वहाँ किस तरीके से अब तक वेलकम हुआ या लोगों ने किस तरीके से सराहाया है आपके ये दर्जे के मिलने बाद? शुरू से ही जब मैंने काम करना शुरू किया था तब से ही लोग जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के लोग मुझे मिले हैं। कुछ लोग का जो रिज़ल्ट, मतलब कुछ लोगों का जो देखने का नज़रिया था वो काफ़ी पॉजिटिव था, कुछ लोगों का काफ़ी नेगेटिव था। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट से मिली या फिर जब मुझे डॉक्टरेट मिला, तो जो लोगों का जो वेलकम करने का तरीका था, जो मेरे फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उन सब लोगों ने इतना हार्टली वेलकम किया कि एक वक्त के लिए रियलाइज़ हुआ कि शायद जो कुछ भी मेहनत जो मैं समाज के लिए करती आ रही हूँ वो रंग ला रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी की जो बुक आपकी थी वो अभी किस तरीके से पहुँच चुकी है आपको लगता है कि, क्योंकि अभी हाल ही में आपको शायद राज्यपाल ने भी मिलने बुलाया था, तो किस राष्ट्रपति ने, तो कितना जो है आपको खुशी महसूस हो, क्या उन्होंने इस बारे में आपसे चर्चा की कि आपका बुक मैंने देखा है? पिछले साल 30 अगस्त को मैं राष्ट्रपति भवन गई थी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए। तो इसकी भी एक अलग कहानी है कि 13 अगस्त का वो दिन था, मैं घर पर ऐसी नॉर्मली बैठी थी और अचानक से पापा उठकर मुझे हक कर लेते हैं और मैं रोने लगती हूँ बिना ये जाने कि हुआ क्या है। फिर पापा, दो तीन मिनट तक पापा भी बिल्कुल स्टंड थे, हम लोग बस ऐसे एक दूसरे को हक किए, फिर पापा बोलते हैं कि राष्ट्रपति भवन से बुलावा आ गया है। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली जाते हैं राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए। जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ, तो भी ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि अगर औरतों को सही पावर दिया जाए और सही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो वो आज देश की राष्ट्रपति बनकर उस कुर्सी पर बैठी हैं। काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं वो, इतनी ग्राउंडेड हैं, उनसे बात करके इतना अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि कभी भी किसी मोमेंट में लाइफ की अगर तुमको मेरी ज़रूरत पड़े तो जिस ईमेल के थ्रू तुम यहाँ पर आई हो उसी मेल पर बस एक मेल डाल देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और मैंने अपनी बुक भी दी उनको, उन्होंने बुक भी देखा और कहा कि मैं ज़रूर पढ़ूंगी इस किताब को, क्योंकि, और मुझे मोटिवेट किया ये कह के कि तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं जो आज हमारे देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अच्छा, जो आपने एक अवेयरनेस चालू किया था, चाहे यौन संबंध का हो या पैड सैनिटरी का, तो वो कहाँ तक पहुँचा और किस तरीके का अभी जो है उस पर रिस्पॉन्स है? वो काम मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर चुकी हूँ अब तक, और भी करती जा रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, गाँव में जाकर
वो तो अभी फिलहाल कुछ टाइम से बॉम्बे में रह रही हूँ, तो घर पर जो ग्राउंड का जो काम था वो थोड़ा कम हो गया है, बट ऑनलाइन जो अवेयरनेस है वो अब भी जारी है, न्यूज़ इंटरव्यूज़ के थ्रू अब भी जारी है, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, ऑनलाइन सेमिनार्स के थ्रू और भी जारी है। और इसी बीच में एक और उपलब्धि मेरी ये हुई कि कॉमनवेल्थ जो कि 56 कंट्रियों का जो सम्मेलन है, उसने मुझे एज अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप की लीड चुना फॉर सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो मेरा वो टर्म भी अभी चल रहा है, मैं वैसे भी सर्व कर रही हूँ। क्या रहेगा, क्या करना है? तो दरअसल कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं उनमें सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स को पे जो भी काम हो रहा है उसको मैं देख रही हूँ, उसको मैं मॉनिटर कर रही हूँ, और वो टर्म भी मेरा भी चल रहा है। तो फिलहाल अभी आप मुंबई में हो, मुंबई का किस तरीके का वातावरण आपको दिख रहा है और कैसे जो है आप मुंबई में अभी सर्वाइव कर रहे हो? मुंबई तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मुंबई आने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी पहले। यहाँ पर मैं एक एक्टिंग प्रोग्राम के लिए हूँ, मैं एक्टिंग सीख रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बॉम्बे अब तो घर जैसा लगने लगा है। इनफैक्ट अब बॉलीवुड से ऑफर आया आपको? कोशिश कर रही हूँ, काम सीख रही हूँ अभी तो फिलहाल, डेफिनेटली, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट वो भी है बॉलीवुड और मूवीज़। मुझे मूवीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, मूवी फिल्में देखना, फिल्में बनाना। भोजपुरी या बॉलीवुड वाली? भोजपुरी में भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले, अगर देखा जाए तो भोजपुरी में भी अगर कोई अच्छा काम मिलता है जहाँ। भोजपुरी तो पूरे अश्लीलता से भरा हुआ है, आप भी जानते हैं, अभी बहुत आरोप लग रहे हैं। अश्लीलता तो बस हम वही देख रहे हैं जो अश्लील चीज़ें हैं। अगर हम अच्छा कंटेंट देखेंगे तो अच्छा कंटेंट बनाया जाएगा, लोगों को भी तो वही पसंद आ रहा है ना। और मैं ऐसा कंपेयर करती हूँ कि अश्लीलता कहाँ नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है अश्लीलता, हॉलीवुड में नहीं है अश्लीलता, बस भोजपुरी को ड्रैग किया जाता है हर वक्त, क्योंकि हम बिहार से हैं तो बिहार को ड्रैग करना बहुत आसान होता है किसी भी मैटर में। तो क्या जाह्नवी जैसी सोच के और भी बिहार में ऐसे लोग हैं जिन्हें उभार की जरूरत है, तो उनके लिए किस तरीके का आप जो है मेहनत कर रहे हो कि वो भी एक प्लेटफॉर्म हम देंगे कि वो आ सके और हम लोगों के साथ एक यूनिटी रहेगी? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार के जो काफ़ी यूनिक सोच रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट सोच रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मुझे अच्छे माँ बाप मिले हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की है, शायद हर बच्चे को वो नहीं मिलता है, शायद हर बच्चे को इतनी छूट नहीं मिलती है कि वो जो करना चाहे उसे करने को मिले। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पेरेंट्स से करना चाहती हूँ और करती हूँ कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें और आपका बच्चा जो भी सपना देखता है उसको पूरा करने में उसकी मदद करें, और तभी हमारे बिहार के जो लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मुंबई में जाह्नवी जी आई हुई है और जाह्नवी सिंह का एक तमाम अपनी अपनी बातें थी कि बिहार को अगर बदलना है तो बिहार की सोच को भी जो है बदलना पड़ेगा, और जाह्नवी जैसे लोग जिन्हें मोटिवेशन और एक हौसले की जो उड़ान है अगर उसे कोई उभार सकता है तो ऐसे जाह्नवी और न जाने कितने जो है बिहार में उभर कर आएंगे। अब इन हौसले के उड़ान को कहाँ तक मंजिल मिलती है एक सवाल है, और साथ ही साथ जाह्नवी और आगे क्या क्या फ्यूचर में करेगी उसका भी एक आप लोगों में आने वाले दिनों में जो है तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए वो उजागर कर देगी। और जाह्नवी जी लास्ट संदेश युवाओं को क्या देंगे? मैं युवाओं को लास्ट संदेश यही देना चाहूँगी कि हो सकता है आप जो सपना देख रहे हैं वो सबसे अलग है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही सपना देखे। तो अगर आपका सपना सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, फिर भी आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, फिर भी उस पर काम करने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि भगवान आपकी मेहनत का 1% भी नहीं रखते हैं। आप जो मेहनत करोगे आपको वो रिज़ल्ट वापस मिलेगा। तो खुद पर बिलीव रखिए, अपने ड्रीम्स पर बिलीव रखिए, और ज़िंदगी को एंजॉय करना मत भूलिए। हम इस हसल में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि एक ज़िंदगी मिली है जिसको जीना है, तो इसको मत भूलिए और ढेर सारा काम कीजिए। अब ये देखना है कि किस तरीके से जाह्नवी को आगे अपनी मंजिल में उड़ान मिलती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।